इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मोबाइल में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान हमारे से दोस्तों, इस देखिएगा। तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछिए। कमेंट बॉक्स आपके इंतजार में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। नीचे में आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो आप अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेबिट कार्ड, इसके थ्रू आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर आईडी के थ्रू कर रहा हूँ। आप चाहे तो अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे अकाउंट नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए मैं कस्टमर आईडी से ही कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी का नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना सब कुछ फिलअप कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको ध्यान से करना है। उसके बाद आपके सामने जो भी मोबाइल नंबर है रजिस्टर इस बैंक में, उसके लिए आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। तो उस पर ओटीपी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंड एसएमएस है। यहाँ पे आपको जिस भी नंबर में आपका सिम है उससे आपको यहाँ पे मैसेज कर देना है। तो मैसेज कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक कर देना है। तो जैसे कि आपका अगला इंटरफेस खुल जाएगा। तो चलिए मैं अपना इसको बैक कर देता हूँ और आपको बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। तो ये देखिए इतना नंबर पे आपको एसएमएस सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक कर देना है। तो बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से लेट सेट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको लॉगिन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ एक इमेज भी आ रहा होगा। तो इसको क्या करना है, जो भी आप इमेज सेट यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके नीचे में आपको इसका टेक्स्ट डालना है। जैसे कि बॉल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको बॉल लिखना है, बस को सेलेक्ट करते हैं तो बॉल बस लिखना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अगर ये प्रोसेस आपको नहीं होता है तो मैं अभी आपको लाइव यहाँ पे बता देता हूँ। तो यूजर नेम में आपको अपना यूजर नेम डालेंगे बनाने के लिए, जो नया यूजर नेम आप बना रहे हैं। तो कुछ भी यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर और एड्रेस ये सब मिला के आपको लिखना है, और इसमें लेटर भी देना होगा। और यहाँ देखिए कन्फर्म में भी पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड ऊपर नीचे करके आपको अच्छे से डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बस को सेलेक्ट किया हूँ, तो स्कूल बस लिख के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे ही सबमिट किया हूँ तो देखिए लोडिंग हो रहा है। अब यह देखिए लेट्स डन, इट्स डन, साइनिंग पे सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड पे क्लिक करना है। जो भी अभी आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाए हैं वो डाल देंगे और यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने लोडिंग फिर से आ जाएगा। लोडिंग होने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो जो भी रजिस्टर नंबर है, जो भी आपने जिससे एसएमएस भेजा है उसी नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो 6 अंक का ओटीपी है, देखिए मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस 100% हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जब आपका लोडिंग हो जाएगा। तो देखिए अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसका किसके नाम का अकाउंट है वो आपको ऊपर में शो हो जाएगा, वेलकम इतना इतना। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर ये सब करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी को इस एप्लीकेशन से रुपया भेजना चाहते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अगला वीडियो इसी पे लाने वाला हूँ कि इससे रुपया किसी को कैसे भेजना है बैंक अकाउंट से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।